हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी वेल। तो गाइस, मैं उड़ीसा में थी ना, राउरकेला जंक्शन में हूँ अभी, और मैं इतना अच्छा रेल को देख रही थी और जा रही थी क्योंकि मेरे को आना था हटिया स्टेशन रांची, उसके बाद फिर हजारीबाग अपने रूम वापस। वाह, तो कितना बड़ा स्टेशन है, बारिश भी। सो गाइस, बारिश तो बहुत जोरों की हो रही थी सुबह सुबह। मैं तो अम्ब्रेला लेकर गई थी और देखो स्टेशन कितना खाली खाली नजर आ रहा करने है। में अच्छा लगता है कि बहुत लोग पूरा साफ है, अभी सो रहे थे और मैं स्टेशन में मजे से घूम रही थी। मैं क्या कर रही हूँ, आराम से बैठ कर स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रही हूँ, तपस्विनी एक्सप्रेस का जो राउरकेला से हटिया के लिए जाने के लिए आता। तो अभी बहुत लेट था तो मैं वहाँ पे वेट करके और तो बालगाड़ी जाने दो, अरे सॉरी, पूल टूटा हुआ है और क्या था आगे भूल गए, और पीछे वाला डब्बा पैसा देगा। पहले खेलते थे बचपन में मालगाड़ी चलने। जब आप स्टेशन में होते हो तो सिर्फ आपको एक ही चीज दिखता है, वो क्या है, वो सिर्फ दिखेगा आपको ट्रेन। स्टेशन में सिर्फ वही दिखेगा, बहुत ज़्यादा ट्रेन मालगाड़ी और वहाँ के बहुत सारे लोग भी होते हैं। उतार
सो गाइस ट्रेन आ गई और मैं बैठ गई, और देखो मैं बैठ के आराम से रिकॉर्ड करते करते हुए जा रही थी। बहुत सारे लोग थे जो ट्रेन में चढ़ गए और बाकी लोग स्टेशन में ही, किसी को कहीं जाना था, किसी को कहीं और जाना था, तो किसी को कहीं और, सब अपने हाथ में सूटकेस बैग लेकर जा रहे थे। ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो खिड़की के साइड बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाला ट्रेन चल रहा है, पर पता नहीं चलता कौन वाला ट्रेन चल रहा है, जिसमें हम बैठे वो या सामने खड़ा है वो वाला ट्रेन। तो गाइस आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? और ये देखो खिड़की से कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है, पूरा मस्त वाला नज़ारा देख कर ही मन खुश हो जाता है। और ये देखो यहाँ पे ये है पुल, बोले तो बहुत बड़ा नदी है, और पानी देखो कितना गहरा दिख रहा, और कलर इसका देखो पानी का गजब। और फिर एक और नदी आता है जिसमें तीन नदियों का संगम है, तीन, हाँ हाँ तीन नदियों का संगम, वो भी देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, इतना मस्त, और उसमें बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था। तो ये सब देखने का मज़ा कुछ और ही है, वो भी ट्रेन के सफ़र में। वो नदी जो है बहुत बड़ी है, और देखो जब मैं जा रही थी तो दूसरा ट्रेन भी सामने से गुजर रही थी। अब आप सोच रहे हैं कि कौन वाला ट्रेन चल रहा है, तो ये जिसमें मैं बैठी हूँ वो वाला ट्रेन चल रहा है और सामने वाला ट्रेन रुका हुआ है, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि सामने वाला जा रहा है। और मैं बहुत बोर हो रही थी, लेकिन बाहर का नज़ारा देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। फिर से एक स्टेशन आया और वहाँ पे ट्रेन रुकने वाला था, और देखो सामने में क्या दिख रहा है, भारतीय रेल का इंजन, मालगाड़ी। मैंने तो पहले ही बोला था कि स्टेशन में सिर्फ दो या एक चीज़ ही दिखेगा, वो है मालगाड़ी या ट्रेन या फिर लोग वहाँ पे, और आपको कुछ दिखेगा। तो गाइस कुछ और देखने का तो अब सोचना भी मत, बट हाँ कुछ कुछ स्टॉल भी होता है जिसमें कुरकुरे मिलता है, बिस्किट मिलता है, बहुत मज़ा आता है। और फिर ट्रेन में बैठते हुए मेरा स्टेशन आ गया हटिया, और मैं उतर गई हटिया में। तो हटिया स्टेशन, और ये देखो बहुत सारे लोग फिर से सूटकेस लेके बैठे हुए, उनको कहीं जाना होगा या वो कहीं से वापस आ रहे होंगे, जैसे मैं आ रही थी राउरकेला से। तो ये है हटिया में एग्जिस्ट रोड, निकासी एग्जिस्ट, जिससे आप बाहर निकलते, उससे बाहर निकलते ही वहाँ पे ग्रीन ग्रीन अच्छे से प्लांट लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा, वो छोटा छोटा दिखता है, इतना सुंदर दिखता है, देखो पूरा बाहर में बना। और ये बहुत सारे पैसेंजर लोग सब अपने अपने घर, फिर मैं ऑटो में बैठ के बस हजारीबाग वाला बस के लिए निकल पड़ी। तो मैंने सुबह से ट्रेन में बैठा, उसके बाद ऑटो में बैठी, उसके बाद अब बारी आई बैठने का बस में। लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता दूँ, रांची में एक ब्रिज बन रहा है, वो भी बहुत बड़ा, तो ये देखिए ब्रिज बन ही रहा है और बहुत जल्द ये बन के रेडी हो जाएगा, और बहुत ही
खूबसूरत लगेगा। तो ये सब मैं ऑटो से देख रही थी। रांची वाले लोग तो इसको हमेशा ही देखते होंगे, बट मैं इसको पहली बार देख रही थी। और फिर मिल गया मेरे को हजारीबाग जाने वाला बस, तो मैं उसमें बैठ गई। और देखो बस में तो हालत ख़राब हो जाता है मेरा, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था। मज़े से मैं आई, आराम से सो के हजारीबाग के लिए चल पड़ी। तो गाइस मैं हजारीबाग पहुंच गई। तो ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्वीटी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।